देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है विजयादशमी। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। विजयादशमी के अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि विजयादशमी का पावन पर्व देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। देश भर में विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा और कलश का विसर्जन किया जाता है। इसके अलावा इस दिन रावण का पुतला दहन भी किया जाता है। आज विजयादशमी के पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, सभी देशवासियों को विजय के प्रतीक पर्व विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में साहस, संयम और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। दशहरा और विजयादशमी के पावन पर्व पर पीएम मोदी का ट्वीट प्रत्येक देशवासियों के लिए खास महत्व रखता है। बता दें कि दिन नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ नींबू पानी का सेवन कर भगवती माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 से 11 अक्टूबर तक कुल्लू के ढालपुर मैदान में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे। बता दें कि इस महोत्सव में घाटी के 300 से अधिक देवी देवताओं का समावेश होता है। इस महोत्सव के पहले दिन देवता सुसज्जित पालकियों में अधिष्ठाता देव भगवान रघुनाथ के मंदिर में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और फिर ढालपुर मैदान के लिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों पीएम मोदी गुजरात के अंबाजी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री गब्बर तीर्थ में महाआरती में शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने अंबाजी में 7200 करोड़ के अधिक की लागत की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंबाजी में होना सौभाग्य की बात है। यहां शुरू की जा रही परियोजनाओं का इस क्षेत्र पर काफी प्रभाव पड़ेगा।